गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और गाइस, आज 7 अक्टूबर है। आज टाटी जरिया का दुधमटिया में मेला लगता है, पर्यावरण मेला। गाइस, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है यहाँ के लिए, अपने जिला के लिए, पूरे झारखंड के लिए, क्योंकि आज यहाँ इस टाटी जरिया में ही पेड़ों का रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हुआ था। तो गाइस, आज हम आपको जाके दिखाएंगे वहाँ मेला। बहुत शानदार जंगल में मेला लगता है। और जितने भी हजारीबाग के स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स और टीचर्स लोग कुछ प्रोग्राम को दिखाते हैं, और सब अपने अपने स्कूल का स्टॉल लगा के बहुत सारा मतलब स्ट्रक्चर को बना के रखते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ताकि लोग जागरूक हों। तो गाइस, आज हम जाके दिखाएंगे, मतलब 11 बजे के लगभग जाएंगे। कौन बाबा है जी? कौन बाबा है? लिखा ला उसने बाबा जी नाम। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम। कहाँ के हैं? टाटी जरिया। तो लोग कौन कौन बाबा है? दोनों शिष्य है ना तुम? हाँ, शिष्य है। गुरु है। गुरु नाम कुछ रख लो अपना, ठीक है? हाँ, ए राजा जी इधर देखिए। हेलो। हाँ, टाइगर है ना? हाँ ठीक है, अपना राजा जी को भी लाना चाहिए शेर को। कौन स्कूल का है? टाटी जरिया। अरे भोलेनाथ जी आइसक्रीम खा रहे हैं जी। ओ लीड है। ए माता जी आँख नहीं खोलेगी। हाँ माता जी आँख खोली थी अभी। चलिए ठीक है, ए बांट के खाइए भोलेनाथ सबको। See guys, we have got something new in this Paryavaran Mela. As you know, Jharkhand is has a majority of the Scheduled Caste community and Scheduled Tribes community. We are presenting lot of tribes of Jharkhand. चलिए हिंदी में। Guys, ये देखिए झारखंड के ट्राइबल लोग हैं। कौन सा है जी? लोहरा है। लोहरा ट्राइब। धनुष उठा के रखो। तू दिखाओ अपना एकदम रहो। अरे उठा के रखो, बंदूक चलाएगा। अरे अरे मत मारना। देखिए गाइस इसको, पहाड़िया को। हाँ सब मार के छोड़ेगा भाई, थोड़ा बोलो ना। बोलो क्या है? बिंदिया। तुम्हारा क्या पर्व है? बिंदिया जात में क्या पर्व मनाता है? गाइस देखिए, ये संथाल है जो झारखंड के सबसे ज्यादा जनजाति। अपने सीएम जी हेमंत सोरेन भी इसी कम्युनिटी से हैं। इम्पोर्टेंट जाता है। चलिए और आपको आगे दिखाते हैं। बैग क्या है? बैगा। हाँ सब हम जब जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, पढ़े थे, सब भूल गए अभी। महली माल पहाड़िया। और ये तू कौन सा भैया? पगड़ी उठा के रखिए। हाँ मुंडा। आपको ये कौन सा है? कोल खरवार। उराव। ए धनुष उठा। कोरा। हील उल नहीं है यार। किसान। हील। बिरहो। ये देखिए, ये भी प्रिमिटिव ट्राइब के अंदर आता है।
तो गाइस ये देखिए मुंडा इसके पास हम स्पेशलिस्ट लिए आए क्योंकि जो हम लोग का पार्लियामेंट है सिर्फ यही एक ट्राइबल मतलब यही एक ट्राइबल है जो जिनका मतलब फोटो लगा हुआ है बिरसा मुंडा, तो इसलिए हम इसको दिखाएं। एकमात्र ये ट्राइबल का फोटो लगा हुआ है हम लोगों का पार्लियामेंट में। दिन 15 नवंबर है। हाँ, जन्मदिन 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग हुआ बिहार से, ठीक है। और ट्राइबल दिवस भी अब मनाने का बात चल रहा है, मनाया जा रहा है 15 नवंबर को। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो झारखंड है वो एक ट्राइबल स्टेट है, बट यहाँ पे ट्राइबल्स मेजोरिटी में नहीं है, ओनली 20% लोग ही यहाँ ट्राइबल है। जैसा आप देख सकते हैं जो जो फेमस ट्राइब्स हैं यहाँ पे झारखंड के उनको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बट फिर भी इसको ट्राइबल स्टेट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो ट्राइब्स का आपका जो पर्व त्यौहार है और जो नॉन ट्राइब्स है जिसको सदान बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, तो ट्राइब्स आदिवासी और सदान ये दोनों का जो पर्व त्यौहार है वो एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड है, ठीक है, मतलब मिले हुए हैं। जैसे कर्मा पूजा हो गया है तो आदिवासी का, बट इसे मनाता सबको ही है। हम लोग सदान हो गए, सदान लोग भी मनाते हैं, ठीक है। जो नॉन आदिवासी यहाँ पे झारखंड में है उनको सदान बोला जाता है। आ रहा आवाज, ठीक है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण मेला लगाया जाता है टाटी झरिया में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग रस्सी बांधते हैं पेड़ों को, मतलब धागा, एक तरह का रक्षाबंधन हो गया जो कि हम लोग पेड़ के साथ निभाते गाइस। देखिए ये अपने स्कूल का है जिससे हम 10th पास किए हैं, और अब ये देखिए हम अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या लोग बना के रखे हैं, मतलब क्या क्या शो कर रहे हैं। और ये हम 10th पास किए 2015। गुड आफ्टरनून टीचर्स। गाइस देखिए क्या है सर, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। जो मॉडर्न पीरियड था और एंशिएंट था उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। पहले देख सकते पूरा ग्रीनरी था, लेकिन अब वो सब सारा हट के इंडस्ट्रीज आ चुका है, सारा चीज़ मतलब पहले का जो कल्चर था वो सब चीज़ चेंज हो चुका है। मतलब कोई भी चीज़ आप सिंगल चीज़ आप दिखा सकते कि जो मॉडर्नाइज ईरा लॉट्स ऑफ रेडिएशन एंड एजेस ऑफ द पर्सन है ऑल्सो जस्ट रेड्यूस मेंशन सम प्रॉब्लम्स सर, लॉट्स ऑफ लाइक पॉल्यूशन एंड सम क्लाइमेटिक चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑन द एनसी पीरियड टू मच डिफिकल्टीज इन वन वर्ड व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? सॉल्यूशन इज दैट वी हैव टू जस्ट बैन ऑल द एवरीथिंग्स व्हिच आर जस्ट प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन एंड वी शुडंट टोटली बैन, वी शुड कंट्रोल एंड वी शुड प्लांट अ मोर ट्री, दैट्स व्हाई यू हैव केम हियर बिकॉज़ वी हैव अ फेस्टिवल रिलेटेड टू आवर फॉरेस्ट right now going on and you are presenting, so planting more and more trees is the solution. Yes sir, it's an also be a solution. तो गाइस देखिए आजकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि आज देख रहे हैं पानी का स्कार्सिटी कितना हो रहा है अपने देश में। तो गाइस हम इन लोगों से पूछते हैं, ये अपने स्कूल IMS के बच्चे हैं, तो इन लोगों से पूछते हैं इसका फंक्शन और क्या। तो अपना नाम बताइए। इसको शॉर्ट्स में बताइए। मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा है ना, और वाटर को पानी को बर्बाद होने से भी बचाएंगे क्योंकि पानी बह के नदी में चला जाता है, नदी से समुद्र में वेस्टेज ऑफ वाटर। चलिए ठीक है, तो आप अपने घर में बनवाएंगे? हाँ, चलिए ठीक है फिर। तो गाइस देखिए ये एडिशन पब्लिक स्कूल टाटीझरिया का है, देखते हैं इनके पास क्या है। तो गाइस देखिए हम लोग एडिशन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स लोग के पास आए हैं, तो देखते हैं इन्हें लोग क्या बनाए हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज विक्रांत कुमार फ्रॉम क्लास 8, वी आर फ्रॉम एडिशन पब्लिक स्कूल, दिस इज आवर मॉडल एंड इट इज बेस्ड ऑन केदारनाथ डिजास्टर। इट हैपेंड इन 16 जून 2013। केदारनाथ वाज जर्नेड बाय द फ्लड, द लैंड वाज सेंड विद द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शिवा, बाद डिम आउट व्हेन द कार्तिक इवेंट ऑफ फ्लड।
डिजास्टर कैसे आया था? Why there is frequent flood happening in this area? How it is related with the flood, cutting trees and flood? What is the relation? ठीक है तुम ऐसा बोलो ना कि जैसे हम लोग पेड़ पौधा काटते हैं और ये सब जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसके वजह से तुम्हारा ये होता है ना ग्लोबल क्लाउड बस्ट क्यों होता है? क्लाउड बस्ट बादल फटना जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो तुम्हारा यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलता है और अचानक से तुम्हारा रिवर नो सो इफ यू स्टॉप द इंडस्ट्रियल वेस्ट टू थ्रो इन द रिवर देन हाउ विल द इंडस्ट्री विल वर्क Established to the districts of residential areas that the pollution was not. Sir, I am not asking. So suppose if you establish the industry in far distance, okay, but you will discharging the waste material directly into the river and the people consuming the water from that same river. So you have to do water treatment plant here. Bolanath. गाइस देखिए पेड़ यहाँ पर गिर रहा है, बेचे वाला फ्री में तो भैया। तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का डेमोन्स्ट्रेशन है। गाइज आदमी एक्सटिंक्ट हो जाए दुनिया से कोई दिक्कत नहीं है, जानवर और पेड़ पौधा एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यही है सो पूरा फूड चेन फूड वेब को कंट्रोल करके रखता है। वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, हाँ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है। तो गाइज देखिए यहाँ कितने प्रकार के सांपों का चित्र लगा हुआ है और हम तो डर ही गए इसको नाग सांप को देख के। हाँ तो भैया बताइए सांप और मनुष्य। तो गाइज यहाँ पर देखिए बहुत सारे सांप का डिटेल भी दिया हुआ है। ये क्या इक्विपमेंट है सांप को हैंडल करने वाला? आप स्नेक स्पेशलिस्ट हैं, उनसे लीजिए सर। आइए सर थोड़ा बताइए सांप के बारे में। यहाँ मेरे लिए स्नेक्स के बारे में सारा कुछ बताया गया ना। यहाँ दो स्टॉल में हम लोग दो चीज को डिस्प्ले किए हैं, तो वन्य जीव के लिए समर्पित स्टॉल है लेकिन यहाँ पे सांप पक्षी और हाथी। अगर हाथी अभी हाथी हजारीबाग में आया बहुत बहुत आक्रमण आया हुआ है, घर को तोड़ देता है, तो बिना उससे झगड़ा किए हुए कैसे हम बच सकते हैं? अकेले हम अकेले क्या कर सकते हैं उसके लिए हमारा इस तरफ उसको ये जो चीज है ये एक्चुअली जो गोइठा बनता है ये हम लोगों ने दिखाने के लिए मिर्ची से रखा है। एक्चुअली जब गोबर का से बनाते हैं उपला बनाते हैं जो गोइठा जिसको बोलते हैं उसको इस शक्ल में बनाना है ताकि लंबे समय तक ये चले और इसमें मिर्ची का पाउडर मिला दिया जाता है बनाते समय। मिर्ची का पाउडर इसको बनाते समय हम मिला देते हैं। अच्छा ऐसा करके गोबर से तैयार करिए। अच्छा अच्छा और इसमें थोड़ा सा मिट्टी तेल देकर ऊपर उसको जला दीजिए, इसको घर के बाहर एक दो जला के रख दीजिए, इससे जो धुआं निकलेगा उससे हाथी के जो आँख है उसको कड़वा चलन पैदा होगा। सपोज दैट हम इधर जंगल आए अभी तुरंत हमको हाथी ही मिल गया तो ये तो मेरे पास नहीं होगा। नहीं वो घर के लिए घर अभी जैसे गाँव में गाँव के बगल में जंगल है वहाँ पे हाथी आ गया तो हो सकता है हमारे घर आ जाए तो उसके लिए जला के रखेंगे तो हाथी उस तरफ नहीं आएगा। अच्छा और इसके लिए और अकेले में कैसे बचेंगे? अकेले में जब हाथी कभी आ जाए तो कभी भी छेड़ना नहीं है उसको, छेड़िए मत,
जब वो हाथी सूंड खड़ा करे इसका मतलब वो अटैक मोड में आ गया है। अच्छा। इसमें वो जानकारी है, वो अपने आप को सुरक्षा के लिए वो खड़ा किया सूंड और हमेशा ढलान की तरफ भागे, ढलान की तरफ, चढ़ाई की तरफ नहीं, ढलान की तरफ भागिए। हाथी को इरिटेट मत कीजिए, हाथी से आप लड़ नहीं पाएंगे। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है और ऐसा मत समझिए कि आप एक किलोमीटर दूर खड़े हैं तो हाथी को नहीं मालूम है, उसकी घ्राण शक्ति हम लोगों से 10 गुना तेज है, तो वो गंध को पहचान लेता है, लेकिन दूर है तो अटैक नहीं करता है, लेकिन आप नजदीक रहेंगे तो अटैक करता है। सर थोड़ा इधर आइए, सांप के बारे में बता दीजिए। तो सर एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि वेनमस सांप और नॉन वेनमस सांप को हम लोग डायरेक्टली देख के पता कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन, सांप को हम लोग पूछते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, हम भी पूछते हैं वो ठीक करते हैं, इसको हम लोग दूध भी पिलाते हैं, है ना, लेकिन जब रियली में सामने आमना सामना होता तो आदमी लोग जनरली क्या मान सकते हैं, मार लेते हैं, तो गलत बात है। पत्थर का सांप को हम लोग दूध पिला रहे हैं, पूछ रहे हैं, और जो रियली मिल रहा है उसको मार दे रहे हैं, ये हमारी दोहरी मानसिकता है कि एक जगह हम पूजा करते हैं और जब वो सामने आ जाए तो उसको लोग मारते हैं। जरूरत से ज्यादा भयाक्रांत से निकल गया ना ये, हम लोगों ने यहाँ बताया कि सांप आपके घर पे आ जाए तो क्या कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेनली आपको इस चीज पे बताना है, मतलब ये क्या है। हाँ हाँ, जब हम शिवालय में जाते हैं तो वहाँ शंकर भगवान के साथ सांप भी होते हैं क्योंकि उनके वो गले में है, तो वहाँ पे हम पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे आ जाए तो उसको मारने की जरूरत है, उसको भगाया जा सकता है, यही तो हम लोग बताते हैं कि भगाने का तरीका है ये। देखिए, अगर आपके घर में घुस के डर है विषैला ही सांप, तो इस तरह से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं दूर से ही। हाँ, ठीक है। हाँ, इतनी दूरी है, अब इसको फिर भी डर लगेगा, दूरी बहुत कम है, बाहर ले गए, इसीलिए मैंने इसका सिर पकड़ा हुआ है। अच्छा, तो बाहर ले गए, बाहर जाके खेत में या थोड़ा और छोड़ देना है, घर से दूर उसको ले जाके छोड़ दिया, छोड़ देना है। दूसरा तरीका ये भी है, हमको देखना कितना फर्मली पकड़ता है, क्या कि इतना जोर भी नहीं। हाँ ठीक है ना, यहाँ से प्रेशर कितना है, भूख से नियंत्रण करते हैं, सांप काट दे तो क्या करना चाहिए मान लीजिए, लेकिन ये इक्विपमेंट आपके पास रहेगा विद इन 10 मिनट में आपको हम बचा सकते हैं, कोई भी सांप काटे बचा सकते हैं, लेकिन ये इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, 10 मिनट के बाद ये काम नहीं करेगा। दिखाइए थोड़ा, आप हाथ लाइए, मान लीजिए भाई साहब को यहाँ काट दिया, ऐसा खून निकलता है, ऐसा करके इसी तरह का खून निकलता है, तो समझ लीजिए कि सांप इनको काट दिया, मरने वाले उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माथे पे पसीना आ रहा है, ये जो काटे हुए हिस्सा बचा लीजिए, ऐसे दबाएंगे, देखिए अब क्या हुआ, दिखाइए यहाँ। हाँ, अब देखिए खून निकलना शुरू हो गया, हाँ, खून निकलेगा और इस कप में जमा होगा। अच्छा, जब इस कप में थोड़ा ज्यादा जमा हो जाए, हाँ, तो उसके बाद इसको धीरे से निकाल देना, खींचेंगे और खून को गिरा देंगे, दोबारा फिर लगाएंगे। अच्छा, दोबारा इनको सक करेंगे, 2 या 3 बार करेंगे, तो उसका जो इनका जो मान लीजिए कि डेथ का समय था, मान लीजिए इनको सांप काट दिया 1 घंटे में, इस सांप ने काटा 1 घंटे में मर जाएंगे, ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो हमको समय मिलेगा हम इनको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ये मतलब बस फर्स्ट एड की तरह है, कि फर्स्ट एड, और ये 10 मिनट के अंदर ही, 10 मिनट के बाद करने से कोई फायदा नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट एड है, परमानेंट सॉल्यूशन सदर अस्पताल। लेकिन हम एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहते हैं, पीतवा कहां मिलेगा भैया, होता है मतलब एक पौधा, नाम नहीं पता उसका, नाम हमको भी नहीं पता, सपोला उपोला अरे कुछ है सर, गंदा नहीं नहीं, एक है, एक पेड़ होता है, कहाँ मिलेगा उसका जेल, ऑनलाइन मिलता है भैया, ऑनलाइन मिलता है, क्या नाम है इसका, यहाँ पे काटा है कोई भी सांप, स्नेक बाइट किट, ये स्नेक बाइट किट, हाँ ठीक है स्नेक बाइट, सर हाँ ये तो इसका प्रचार भी होगा। वेनमस सांप और नॉन वेनमस स्नेक में मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग फर्स्ट सीजन में, तो भारत में 259 तरह का, हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, हम लोग का नॉर्मली जो यहाँ पाया जाता है इलाके में, हाँ, आसपास में यही 20 से 25 सांप मिलता है, हाँ, तो 25 सांपों में से ये 5 सांप ही विषैले, ये 5 सांप, नाग, ग्रैंड पीट वाइपर, रसल वाइपर, बैंडेड करेट, कॉमन करेट, और वो जो उधर देख रहे हैं, अच्छा विषैले, अच्छा हम लोग 2-2.5 सांप को तो याद नहीं, नहीं नहीं हाँ, लेकिन 10-15-20 सांप को याद कर सकते हैं, नहीं हम लोग हरा वाला सांप देख